नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज है कारगिल विजय दिवस। सीएम, डिप्टी सीएम और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। पीएचसी की अनुशंसा पर सरकार ने जारी की अधिसूचना। बिहार में एआई रोकेगी बिजली की चोरी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 497 अफसरों का ट्रांसफर हुआ रद्द। ओडीआई सीरीज से पहले भारतीय खिलाड़ियों का मजेदार फोटोशूट वायरल। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज है कारगिल विजय दिवस। सीएम, डिप्टी सीएम और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। आज यानी कि 26 जुलाई का दिन स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। बता दें कि भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत विजय हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध के दौरान 527 सैनिक शहीद हो गए तो वहीं 1400 के करीब सैनिक घायल हो गए थे। बता दें कि इनमें से बिहार के भी 18 जवान शामिल थे जो शहीद हो गए थे। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना के कारगिल चौक स्मृति पार्क में वर्षगांठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेरकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शहीद स्मृति चिन्ह पर माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कारगिल दिवस के अवसर पर शहीदों को याद कर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। राजधानी में एक ही मार्ग में पढ़ने वाले स्कूलों की अब छुट्टी होगी। ऐसे आमतौर पर बिहार की राजधानी पटना के स्कूलों में जब भी छुट्टी होती है तो जाम जैसी स्थिति बन जाती है, जिससे आम लोगों के साथ साथ बच्चों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब इन परिस्थितियों को देखते हुए ट्रैफिक एसपी पूरन झा की अध्यक्षता में ट्रैफिक डीएसपी व स्कूल के प्रतिनिधियों के द्वारा बैठक कर यह निर्णय लिया गया कि अब एक ही मार्ग में पढ़ने वाले स्कूलों की छुट्टी 5 से 10 मिनट के अंतराल पर होगी। इसके साथ ही स्कूल प्रारंभ होने और छुट्टी होने के दौरान संबंधित स्कूल के गेट व उससे जुड़े मार्ग में यातायात दबाव वाली जगहों पर पर्याप्त संख्या में सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती की जाएगी, जो कि स्कूल स्तर पर की जाएगी। इसके साथ ही इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि वैसे बच्चे जो ऑटो या निजी वाहनों से स्कूल आते हैं, उनके पेरेंट्स को प्रेरित किया जाएगा कि वह अपने बच्चों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिवहन विभाग द्वारा वाहनों में निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही बैठाएं। पीएचसी की अनुशंसा पर सरकार ने जारी की अधिसूचना। शराब से जुड़े मामले की सुनवाई करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा पटना हाई कोर्ट की अनुशंसा पर 17 अपर जिला एवं 17 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। बता दें कि इनके नामों को लेकर विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार जिन 17 अपर जिला एवं 17 न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है, उनमें संतोष कुमार गुप्ता को अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय संख्या 2 अररिया, राजेश सिंह को अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय संख्या 2 भागलपुर, प्रेम चंद्र वर्मा को अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय संख्या 2 बक्सर, रमाकांत को अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय संख्या 2 दरभंगा, शैलेंद्र कुमार शर्मा को गोपालगंज, धर्मेंद्र कुमार तिवारी को भभुआ, ठाकुर अमन कुमार को खगड़िया, सुभाष चंद्र को खगड़िया, आशुतोष कुमार 2 और कुमार ऋषिकेश को मधेपुरा, संजय सिंह को बिहार शरीफ, जितेश कुमार और सतीश कुमार झा को पूर्णिया, मृत्युंजय सिंह को सीतामढ़ी, संदीप अग्निहोत्री और अमित कुमार को सुपौल और ब्रजेश कुमार को अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय संख्या 2 वैशाली, हाजीपुर के पद पर नियुक्त किया गया है। बिहार में MBBS की 1150 सीटों में इतनी सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा पर्षद के OSD अनिल कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि बिहार में MBBS की 1150 सीटों में से 380 सीटें ऐसी हैं जो लड़कियों के लिए आरक्षित है, यानी कि MBBS की कुल सीटों में से 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से पत्र मिल गया है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरक्षण का लाभ केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मिलेगा। मालूम हो कि केंद्रीय कोटे में नामांकन समाप्त होने के बाद राज्य कोटे से MBBS का दाखिला शुरू होगा। OSD अनिल कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसी सत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार में AI रोकेगी बिजली की चोरी। विद्युत भवन में डिस्कॉम कंपनियां और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एनर्जी अकाउंटिंग टीम और विशेष कार्य दल की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें विशेष कार्य दल को सख्त करने एवं डाटा आधारित नवीन कार्य प्रणाली को लागू करने के लिए सभी अभियंताओं से विचार विमर्श किया गया। बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और BSPHCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए बिजली चोरी रोकने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे कि एनर्जी
अकाउंटिंग प्रणाली मजबूत और जवाबदेह बनेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही में जो ऊर्जा हानि हुई है उसे हमें रोकना होगा और इसके लिए सभी अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। जिन अधिकारियों के द्वारा बेहतर प्रदर्शन नहीं किया जाएगा उन्हें दंडित भी किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 497 अफसरों का ट्रांसफर हुआ रद्द। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा बीते दिन एक बड़ा फैसला लेते हुए 497 अफसरों के ट्रांसफर को रद्द कर दिया गया है, जिनमें DCLR अंचल अधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी सह कानूनज्ञ स्तर के अफसर शामिल है। बता दें कि सभी अफसरों का स्थानांतरण इसी साल जून में किया गया था। मालूम हो कि इस ट्रांसफर को रद्द करने को लेकर यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि इसकी बड़ी वजह विभागीय मंत्री आलोक मेहता और अधिकारियों द्वारा स्थानीय विधायकों की अनुशंसा को नहीं माना, ट्रांसफर में निर्धारित 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं होना, जूनियर अधिकारी के अधीन सीनियर अधिकारी को बैठक देना, बड़े पैमाने पर अंचल अधिकारियों का बदला जाना और मुख्यमंत्री सचिवालय तक जब यह बात पहुंची तो ट्रांसफर को रद्द कर दिया गया। स्कूल वैन से शराब की खेप बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से मामले सुनने को मिलते रहते हैं। तस्करों के द्वारा शराब तस्करी के लिए नई नई तरकीबों की खोज की जाती है। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से कई तरह की कोशिशें की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ कमी देखने को नहीं मिल रही। बता दें कि ताजा मामला जमुई का है, जहां सोनू पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर व्हाइट रंग की मारुति ओमिनी स्कूल वैन से छापेमारी करते हुए 72 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। हालांकि इस दौरान गाड़ी पर सवार तस्कर मौका देखते ही फरार होने में सफल हो गए। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। बिहार के कई जिलों में फैला आई फ्लू का संक्रमण। राज्य के कई जिलों में तेजी से आई फ्लू के संक्रमण में बढ़ोतरी देखी जा रही है। खासकर यह बीमारी बच्चों में ज्यादा देखी जा रही। इस बीमारी को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि यह एक वायरल डिजीज है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग के पास एक आई ड्रॉप भी है, जिसके इस्तेमाल से यह बीमारी 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंखों में पानी आना, आंखों का लाल होना, फोटोफोबिया, आंख की परत में रक्तस्राव आई फ्लू के लक्षण है। ऐसे में अगर किसी को आई फ्लू होता है तो इस दौरान उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिनमें आंखों को कम से कम छूना, मोबाइल और टीवी न देखना, बाहर से आने के बाद साबुन से ठीक तरह से हाथ धोएं, अगर कोई बीमारी है तो उसके संपर्क में न जाएं, अपने आसपास सफाई रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं, समय समय पर अपनी आंखों पर ताजा पानी का छींटा मारें, बाहर जाने के दौरान काला चश्मा पहने और संक्रमित व्यक्ति के बेड, तौलिया या कपड़ों का इस्तेमाल न करें। स्कूलों में अगर इतने प्रतिशत से कम मिले बच्चे तो होगा एक्शन। इन दिनों बिहार के शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा कई नए नियम बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने यह निर्देश दिया है कि राज्य के स्कूलों में अगर तय परसेंटेज से कम बच्चे मिले तो शिक्षकों और टोला सेवकों के वेतन में कटौती की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसको लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि अगर राज्य के किसी स्कूल में बच्चों की संख्या 90% से कम होती है तो उन टोलो सेवकों या शिक्षा सेवकों के मानदेय में कटौती की जाएगी। ऐसे में इस नियम के लागू होने से अब पहले की तुलना में स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा रहने लगी है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी अश्वमेध देवी। समाज कल्याण विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि उजियारपुर से JDU की पूर्व सांसद अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो वहीं सरकार के द्वारा अध्यक्ष के साथ ही राज्य महिला आयोग के 7 सदस्यों को भी मनोनीत किया गया है, जिनमें प्रभावती मांझी, सुजाता सुम्ब्रई, रबिया खातून, सुनीता कुशवाहा, श्वेता विश्वास, सुलोचना देवी और गीता यादव के नाम शामिल है। दरअसल बिहार में करीब 1 साल से कई बोर्ड और निगम के अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली पड़े थे। ऐसे में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार आयोग और निगम के अध्यक्ष और सदस्य मनोनीत किए गए हैं। बता दें कि इसमें JDU और RJD समेत सरकार में शामिल दलों के नेताओं को भी जगह दी गई है। कार्यपालक अभियंता के घर से लाखों नकद बरामद। इन दिनों बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ विशेष निगरानी की टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि ताजा मामला बिहार पुल निर्माण निगम के भागलपुर में कार्यरत कार्यपालक अभियंता श्रीकांत शर्मा की है, जिसके घर पर निगरानी विभाग के टीम के द्वारा छापेमारी करने के दौरान नोटों से भरा 2 ब्रीफकेस बरामद किया गया है और साथ ही सोने के कई जेवरात भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि छापेमारी के बाद पुल निर्माण निगम विभाग के कार्यपालक अभियंता को निगरानी विभाग की टीम के द्वारा अपनी गिरफ्त में ले लिया गया है और फिलहाल टीम के द्वारा अवैध संपत्ति सहित कागजातों को खंगालने का काम किया जा रहा। मंत्री तेज प्रताप यादव के विभाग के कर्मी अब हफ्ते में एक दिन ई व्हीकल से आएंगे ऑफिस।
बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत विभाग में काम करने वाले सभी कर्मियों को यह निर्देश दिया गया है कि वह सप्ताह में एक दिन ई रिक्शा, रिक्शा इलेक्ट्रिक व्हीकल और CNG गाड़ियों का उपयोग कर कार्यालय पहुंचेंगे। बता दें कि विभाग की ओर से यह कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने की दिशा में विभाग की ओर से यह एक छोटा कदम उठाया गया है, लेकिन इसका असर जरूर पड़ेगा। इस संबंध में विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी के द्वारा कहा गया कि अगर राज्य सरकार के सभी विभाग इस पहल को लागू करते हैं तो यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी अच्छा होगा। राजधानी को जाम मुक्त बनाने के लिए CM नीतीश का बड़ा निर्देश। बिहार की राजधानी पटना में रहने वाले लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके, इसके लिए निर्माणाधीन मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में इस परियोजना का जायजा लेने के लिए बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ का औचक निरीक्षण किया और साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पुराना परसा बाजार मोड़ संपत चक रोड के पास फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए और उसे निर्माणाधीन मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ से जोड़ा जाए, जिससे कि संपत चक से आने वाले लोगों को एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया और जल्द से जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया। वहीं इस दौरान CM नीतीश को अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण प्रत्यय अमृत के द्वारा निर्माणाधीन मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। CM नीतीश ने PM मोदी पर बोला हमला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आज मीडिया से बातचीत करते हुए PM मोदी और भाजपा पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सालों से कोई मीटिंग नहीं की। जब 2017 में हम उनके साथ गए थे उस दौरान भी उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की थी, लेकिन अब हम इधर आ गए हैं और विपक्ष एकजुट हो गया है तो NDA घबराहट में आकर मीटिंग कर रही है। जिन पार्टियों का वो नाम ले रहे हैं उन्हें कोई जानता भी नहीं। CM नीतीश ने कहा कि ये लोग देश का इतिहास बदलना चाहते हैं, ये तो महात्मा गांधी को भी याद नहीं करते, इसलिए हम अलग हो गए। मीडिया के सहयोग से जो भाजपा कर रही है वह पुरानी बातों को याद नहीं रखने देंगे। अब इतिहास नहीं बदलेगा क्योंकि विपक्ष दल एकजुट हो गए हैं। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया गया और PM मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। ODI सीरीज से पहले भारतीय खिलाड़ियों का मजेदार फोटो शूट वायरल। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज 1-0 से मात दे दी है। दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला बारिश के कारण ड्रॉ रहा। अब टेस्ट की जंग के बाद भारत और वेस्टइंडीज का सामना लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में होगा। इस लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट की शुरुआत वनडे सीरीज से होगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे मैचों की शुरुआत 27 जुलाई से होने वाली है। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों का मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में वनडे मैचों की शुरुआत होने से पहले BCCI के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारतीय खिलाड़ी धांसू फोटो शूट करवाते नजर आ रहे हैं। इस फोटो शूट में उपकप्तान हार्दिक पांड्या, विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन, शुभमन गिल, मुकेश कुमार, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में रोहित शर्मा और विराट कोहली नजर नहीं आ रहे हैं। बता दें कि यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा, वहीं फैंस भी इस वीडियो और भारतीय खिलाड़ियों की नई जर्सी पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीते दिन हिमाद्रा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हिमाद्रा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रोशनी खातून, सदुल्लाह पलवी, बाबूलाल मरांडी, रवि कुमार राम, मंतोष कुमार, राजकिशोर महतो, मोहम्मद सकीर हुसैन, उमेंद्र वर्मा, प्रीति कुमारी, निशी कुमारी, अनवर करीम खान, रविशंकर, नौशद अंसारी, रंजीत मिश्रा, गोनर शर्मा, मुटुर रंगीला। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आप शहीदों को कैसे श्रद्धांजलि देते हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।